और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी चीज़ें सारी रेडी हो गई हैं, दस्तरखान पे आ गई हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब समी फैमिली ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्लाह की रहमत करम और फजल के साथ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए लेकर आए नया ब्लॉग। ब्लॉग शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले जी आप लोगों को आज दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। पहले रोज़े की रूटीन, पहले रोज़े की वीडियो मैं नहीं बना सकी, बस इतना शदीद किस्म का लगा था पहला रोज़ा कि आप ना ही पूछें। तो सोचा कि आज तो अफ्तारी की वीडियो लाजमी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करनी है, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करनी है। तो मैं आप लोगों के साथ हाजिर हो गई हूँ आज की वीडियो लेकर। और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा गुजरा है, दूसरा रोज़ा कैसा गुजर रहा है। और आज इतनी प्यारी बारिश हुई है ना कि ना ही कुछ, सर्दी वापस से दोबारा से आ गई है और सर्दियां दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है जी, रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा और जितने दिन गुजर जाएँ उतने ही अच्छे हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की तरफ बारिश हुई है या नहीं हुई। और अभी असर का टाइम होने वाला है, आज जुम्मा है। आप लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, रमज़ान का पहला जुम्मा है और अल्लाह पाक सबको जो है वो नेक काम करने की तौफीक। और उम्मे का कल रोज़ा था, उम्मे कल का रोज़ा रख के इतनी की निढाल हो गई कि आज उम्मे ने रोज़ा कोई नहीं रखा। तो चले कोई बात नहीं, बच्ची है बस। रात में क्या कि मेरी टांगें कांप रही हैं मेरे से, ये मैं वो, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज तुम रोज़ा नहीं रखो, कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ के रोज़ा रख लिया करो, इट्स ओके। आप लोग अगर रोज़ा रख सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं तो फिर रखें, वरना रोज़ा दिन में तोड़ देना जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा गुनाह है। अगर तो आप में हिम्मत है तो रोज़ा रखें, अगर हिम्मत नहीं है तो पहले ही रोज़ा नहीं रखें, तोड़ने से बेहतर है। तो ये थी आपकी आज की अच्छी बात। चलें जी अभी सर की नमाज का टाइम होने वाला है, वुज़ू शुज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आज मैं तकरीबन पूरी रात नहीं सोई, सुबह दस बजे मैं सोई हूँ और फिर मैं 1 बजे उठी हूँ, फिर मैंने उठ के नमाज शास पढ़ी है और तस्बीह वगैरह पढ़ी है। तो अभी देखें मेरी आँखें भी यहाँ से ना स्वेल हुई हुई हैं, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी, आज तो वीडियो में साफ क्लियर पता चल रहा है कि मेरी आँखें इतनी ही स्वेल हुई हुई हैं। तो बाकी आज अच्छे से नींद नहीं पूरी हुई। तो चलें कोई नहीं, तो अभी इसलिए मैंने वीडियो उस टाइम पे शुरू नहीं कर सकी, तो मैंने अभी वीडियो यहाँ पे शुरू की है। सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना अपना दूसरा रोज़ा जो है वो दूसरे रोज़े में जो जो कुछ हो रहा है वो शेयर करें। अभी भी चक्कर आ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल अभी इफ्तारी बनाते हुए आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट डे। और अभी जी अफ्तार और अभी जी अफ्तारी की जो है वो यहाँ पे तैयारी हो रही है। चिप्स यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे मैंने अभी आलू वाली टिक्कियाँ ये बनानी है, चिप्स बन रहे हैं। बाजी आज कोफ्ते लेके आई थी तो बाजी कोफ्ते भी साथ में फ्राई कर रही हैं, देखते हैं कि कैसे बनते हैं। यहाँ पे जी रहे चिप्स और ये चिप्स बन रहे हैं। और नानो भी आज बड़ा शदीद बहुत सख्त भूख लगी है, उम्मे का भी आज रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है, बाजी का भी रोज़ा है और रोज़ा बहुत शदीद किस्म का रोज़ा लग रहा है। दुआ करें जल्दी से खुले, अभी पूरा आधा घंटा अभी रोजा खुलने में पूरा 1 घंटा पड़ा हुआ है और हम यहाँ पे अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। चिप्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये कल के बने पड़े हुए थे, ये गर्म करने के लिए रखे हैं अभी, और यहाँ पे चिप्स तैयार हो चुके हैं, बस तकरीबन आधा घंटा ये रोजे खुलने में। तो जल्दी से चपट जरा काम स्टार्ट करें। चाचू को गुस्सा आया हुआ, चाचू का आज रोज़ा नहीं था, चाचू कह रहे थे मुझे सिगरेट दो, हमने सिगरेट नहीं दिया तो चाचू को गुस्सा आया। मैं ज़बरदस्ती चाचू से आज हमने रोज़ा छुड़वाया है और अभी चाचू को बहुत शदीद थी उनका गुस्सा आया, लेकिन मुझे सिगरेट पीने के लिए नहीं दिया। तो अब जल जाएंगी, चले अभी बनाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। KNS के जो कोफ्ते हैं बाजी लेके आई थी और बाजी ने बनाए हैं, अभी बनाने हैं, हमने खाली फ्राई करने हैं, हमने सालन वाले नहीं बनाने हैं। बाजी कह रही हैं ऐसे ही खाएंगे, सालन को छोड़ो, तो मैंने कहा बना लो चेक कर लो।
और यहाँ पे हमारी चिकन वाली जो टिक्कियाँ हमने घर में बनाई थी वो अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन हम 3 दिन से चिकन वाली टिक्कियाँ एंड चिप्स ही खा रहे हैं, क्योंकि अफ्तारी के बाद कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, तो बस यही होता है कि एक प्लेट जो है ना चिप्स की हो जाती है और साथ में एक जो है टिक्की हो जाती है। और अभी आप लोग बताएं आप लोगों का रोजा कैसा गुजर रहा है, आप लोगों का रोजा लग रहा है या नहीं लग रहा? और अभी ऐसे नहीं लग इतना नहीं रहा, आज दरअसल मैं कॉलर पे भी गई थी ना सारा दिन तकरीबन, मैं 2 बजे तक मैं कॉलर पे रही हूँ और फिर अच्छा गुजर गया था, लेकिन बाद में 2 बजे जब आई ना तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन अभी फिर से ठीक हो गया। अभी मैं साथ में ना एक ड्रामा देख रही हूँ, आज मैंने ड्रामा शुरू किया देखना, हनी ड्रामा शायद लग चुका है, जियो का ड्रामा है और अच्छा ड्रामा है, आप लोग वो भी देखें मज़ा आएगा। नमाज कुरान पाक और तस्बीह शज़दी के बाद जो है ना वो टाइम जो फारिग होता है ना उसमें कोई ना कोई ड्रामा देख लें या ब्लॉग वगैरह कोई देख लें तो टाइम गुजर जाता है, नींद तो आती नहीं है रोज़ा रख के। यहाँ पे ये देखें जी यहाँ पे बाजी दही जमा जमा जम क्या क्या कहते हैं इसको, क्या इसको कहते हैं दही को जब जमाते हैं, जाग लगा रही है। कल बाजी ने बताया क्या कि अब दादी ने ठंडे दही में ना ठंडे दूध में जो है ना दही जमा गलती से भूल गई थी कि गर्म करके रखना है और ठंडे में रखती है। बहरहाल हमारे चिप्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अभी रोज़ा भी खुलने वाला है और बस निकालते हैं कोफ्ते भी जो हमारे हैं ना वो बस रेडी हैं। और फाइनली अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है, कल भी सारा दिन बारिश में गुजरा और आज भी बारिश। कुंडी खोलते हैं बाहर की और बाहर जाके देखते हैं जी, वाओ अमेजिंग, इतना प्यारा मौसम हुआ है और काले काले बादल, ओ माय गॉड, और उस साइड पे देखो कितने ज़्यादा बादल हैं, ओ माय गॉड। ये हमारी उम्मे इंजॉय करते हुए बारिश में, रोजे में बारिश मजा आ गया। और बारिश इतनी तेज है ना कि क्या बताऊं, ओ माय गॉड मजा आ गया, ओए अल्लाह इधर आ जाओ बिजली चमकी है फ्रेंड्स, इतनी जोरों से बिजली चमकी और मेरी फ्लैश भी ऑन थी, मैं एकदम से वीडियो बंद कर रही हूं। और रोजों में बारिश का रोजे जो ना बड़े ठंडे ठंडे हो गए हैं, इतना मजे का मौसम हो गया कि क्या बताएं आपको। और अफ्तारी का टाइम भी अभी होने वाला है जी, बहुत करीब आ चुका है, होने वाली है अफ्तारी और बाहर इतना प्यारा सा मौसम है कि क्या बताऊँ आपको मैं। अच्छा मैंने जब से ये वाला कलर किया ना मुझे अपना फेस अजीब लगने लग पड़ा है, पता नहीं क्यों पर मुझे अजीब लग रहा है, जब तक मैं इन्हें स्टिक नहीं डालूंगी ना, स्टिकिंग नहीं करूँगी ना, तो आज मैंने बालों में कमी भी नहीं की है, तो वही सुस्ती की बात नहीं, मैं पार्लर पर गई थी सुबह की थी लेकिन वापस आके फिर कोई नहीं बाल ऐसे खुले रहे हैं। तो चलें जी अभी इसके साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखना, पर लास्ट जब डर लग रहा है यार अंदर आ जाओ, लास्ट जब मैं अफ्तार करते हुए बैठते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, इजाज़त आपसे यहीं पे लेती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी बाहर ना बिजली इतनी जोरों शोर से चमक रही है ना कि डर लग जाता है, अल्लाह जी तस्वीरें बना रहे हैं सेल्फियाँ, बाजी के पास जाके कहा अल्लाह जी ये किस तरह से सेल्फी बनाए, और माई गॉड बाजी ने जब मेरी बेइज्जती की ना आ हा मज़ा आ गया। तो चलें जी मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तकरीबन अल्लाह हाफिज़ अल्लाह के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी चीज़ें सारी रेडी हो गई हैं, दस्तरखान पे आ गई हैं, अभी हम सारे इधर बैठेंगे और रोज़ा खोलेंगे, मैंने ग्लास शास भी रख दिए हैं, जूस बाकी सारा कुछ हमने रख दिया है और यहाँ पे अभी सारा कुछ रेडी है, चिप्स टिक्कियाँ फ्रूट चाट चना चाट कोफ्ते एंड जूस और सबसे मेन खजूरें।